तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से आप अपने Oppo A1 के स्मार्टफोन में iOS 13 को इंस्टॉल कर सकते हो, चाहे आपके पास Oppo A1 के स्मार्टफोन हो या फिर Oppo का कोई भी स्मार्टफोन या फिर कोई Android स्मार्टफोन क्यों न हो, उनमें आप किस प्रकार से iOS 13 को पूरे तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो, इस वीडियो में आपको वही समझाऊंगा। वीडियो को पूरा देखिए, लाइव प्रूफ समझाऊंगा, तो चलिए फटाफट वीडियो को देखते हैं। उससे पहले मैं नाम से पूरा आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल से पूछा, तो चलिए फटाफट वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस आ चुके हैं अपने होम स्क्रीन पे, फटाफट चलते हैं। यहाँ पे हम करते हैं सबसे पहले इस iOS 13 ऐप को ओपन। ध्यान से देखिए इस वीडियो को। तो गाइस यहाँ पे जाना है हमको, ब्लर इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो गाइस देख सकते हैं ये प्रचार आया है, इस प्रचार को हमको पूरा देखना है, नहीं तो आपको गड़बड़ हो सकता है। तो अब ये देख चुके हैं, इसे कट करते हैं। यहाँ पे ब्लर फोल्डर को ओपन कर देना है। जैसे इसे ओपन कर देंगे उसके बाद हमको यहाँ पे कट करना है। वॉलपेपर में जा चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप सारे के सारे iOS वाले वॉलपेपर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं पूरा पूरी iPhone जैसा ही वॉलपेपर सा पूरा फंक्शन आपको iOS जैसे हो जाएगा। इस वीडियो का पूरा देखिए, इसे आपको बहुत सारे लोग यूज किए होंगे, तो इसको सही तरीके से कैसे यूज करते हैं मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा और बहुत सारे नए नए आपके बारे में बुझाऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो ऐसे ओके कर देते हैं, ये वॉलपेपर मुझे पसंद आया है। तो गाइस क्या करना है, चलते हैं होम पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं iOS इंस्टॉल पूरा तरीके से नहीं हुआ है। अभी जाएंगे सेटिंग में। तो गाइस सेटिंग में जाने के बाद सबसे नीचे हमको जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं ऐप मैनेजर में जाना है। यहाँ पे ऐप मैनेजर में जाने के बाद हमको क्या करना है, थोड़ा सा सर्च ले रहा है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। यहाँ पे जाएंगे डिफॉल्ट ऐप में, यहाँ पे सेकेंड वाले ऑप्शन में जाना है, इस वाले सेकेंड वाले होम स्क्रीन पे। यहाँ पे iOS 13 को अप्लाई कर देना है, चेंज टू होम स्क्रीन कर दिए। अब हमारे फ़ोन में iOS 13 इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं डायलर को ओपन करता हूँ। आप समय से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि डायलर आप किए होंगे इस प्रकार से नहीं ओपन हो रहा, तो मैं इसके लिए बता दूं मैंने इसमें ऐप को यूज किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐप को iOS डायलर को आप चाहे तो इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे जाके आप फटाफट इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मैसेंजर को ओपन करते हैं, मैसेज वाली फाइल को। ये नहीं हमारा ओरिजिनल है, ओरिजिनल लेकिन हम डुप्लीकेट यूज करेंगे यहाँ पे आईफोन वाला, क्योंकि हमको चाहिए आईफोन, तो हमको इसको लाना है सबके सामने। तो गाइस देख सकते हैं इसे हम सामने लेके आ चुके हैं, और हम इसे हटाएंगे। यहाँ पे हमने ब्राउजर भी iOS वाला ब्राउजर को ही यूज किया है, सब कुछ कैमरा भी iOS वाला कैमरा इंस्टॉल किया है। कैमरा बहुत ही कमाल का कैमरा है, आप देखिए पूरा आप काफी। सो गाइस मैसेंजर को ओपन करते हैं, आप सब ध्यान से देखिए। सो गाइस जैसे इस मैसेंजर को हम ओपन करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं iOS वाला ही मैसेंजर हमको देखने को मिल रहा है। आप ध्यान से देख सकते हैं इस मैसेंजर को, यहाँ पे मैसेज से भी देख सकते हैं iOS वाला ही आ रहा है। पूरा पूरी आईफोन लगता है इसमें इंस्टॉल है उसी प्रकार से, सेम टू सेम। सो गाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग, आप भी इसे यूज कर सकते हैं, इसे आपको आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इस वीडियो का पूरा देखिए, बहुत सारे नए नए आपको ऐप के बारे में पता चलेगा iOS का। तो ऐसे ब्राउजर ऐसे भी मैंने इंस्टॉल किया iOS ब्राउजर, तो ऐसे मैंने पूरा पूरी आईफोन वाला ही फाइल को इंस्टॉल किया इसके अंदर में, तो सब कुछ यूनिक। तो वैसे ये iOS ब्राउजर देख सकते हैं। अब हम कैमरा को ओपन करते हैं, जिसे मैंने अलग से इंस्टॉल किया है, इसे हम अलाउ करेंगे। इसमें आपको सारे मूड मिल जाता है, ऐसे सब मूड जितना भी आप देख सकते देखें कितने सारे मूड हमको मिल रहा है, अलाउ करते हैं। इसका कैमरा क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो वैसे ध्यान से देखिए इसके मूड्स को, यहाँ पे आपको बहुत सारे मूड देखने को मिलता है, जहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्वायर मूड्स, बहुत सारे मूड्स आपको देख रहे हैं, प्रो मूड्स, बहुत सारे मूड्स, और वीडियो रिकॉर्डिंग में भी काफ़ी अच्छा क्वालिटी आ रहा है। पर पर्सनली मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है ये कैमरा, नॉर्मल Oppo A1 के कैमरा से काफ़ी अच्छा इसका क्वालिटी है। अब हम बात करेंगे जो हमारे टच के आगे में रहता है, जिसे हम स्क्रीन पे आते हैं उस ऐप को इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल हम कर चुके हैं, आप कर सकते हैं, हमने कर चुके हैं, तो फटाफट ओपन कर रहे हैं। अब हो गया ओपन, इसे अलाउ कर देना है।
अभी सो गाइस आप ध्यान से देखिए, ये ओपन हो चुका है, आ चुका है, आप ध्यान से देख सकते हैं। इसके हमको करना नो थैंक्स, और यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप होम पे क्लिक करेंगे, आ चुके हैं होम स्क्रीन पे, जाएंगे फटाफट। अब मैं आपको सेटिंग ओपन कीजिए जिसमें पूरा iOS जैसे लुक लगे, उसके लिए आपको एक चीज़ और करना पड़ेगा। यहाँ पे जाइए जहाँ से हम की को कन्वर्ट करते हैं, नीचे ऊपर जैसे उसे स्वाइप अप वाले ऑप्शन में कर दीजिए, जिससे कि आप देख सकते हैं फुल स्क्रीन आ चुका है। अब पूरा पूरी आईफोन जैसा ही लग रहा है। इसे आप ज़रूर इंस्टॉल कीजिए, ज़रूर यूज कीजिए, और इस ऐप को यूज करते समय और बहुत सारे सीक्रेट चीज़ जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आगे चल कर आपको बहुत कुछ यूनिक चीज़ पता चलेगा, न्यू और यूनिक। तो वीडियो का पूरा देखते रहिए। सो गाइस आई होप आप सबको सब कुछ समझ आ चुका होगा इस वीडियो में। मैं आपको भी बोल देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ होम स्क्रीन iOS 13 जैसे रहे, तो आप सिर्फ और सिर्फ iOS 13 वाला ऐप है उसे ही तो इंस्टॉल कीजिए, बाद बाकी को इंस्टॉल मत कीजिए। अगर आपको पूरा आईफोन का लुक चाहिए जैसे मैंने अपने फ़ोन में दिखाया उस प्रकार से, तो आपको नीचे लिंक में पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, जिसको सबको सब आपको आप इंस्टॉल करिए, सबको ओपन कीजिए, सबको यूज कीजिए, और आप पूरे तरीके से आईफोन 11 Pro Max को यूज कर सकते हैं Oppo A1 के स्मार्टफोन में। साथ ही साथ आपके पास कोई भी स्मार्टफोन हो, देख सकते हैं ऐसे कि आपको मैंने दिखाया प्ले स्टोर से सारे आपको इंस्टॉल करना है, तो आपके पास कोई भी ब्रांड का स्मार्टफोन कौन हो उसमें आप बड़ी आसानी से iOS 13 को इंस्टॉल कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। सो गाइस मैं आपको अभी ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आप भी किसी सॉफ्टवेयर या फिर किसी ऐप का थर्ड पार्टी जैसे कि गूगल से इंस्टॉल करके यूज करते हो, तो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ जो मैंने आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया उसे ही आप इंस्टॉल कीजिए, बड़ी आसान तरीके से यूज कर सकते हैं, सबके सब एक रियल ऐप है, इससे हमारे फ़ोन में कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और भी अगर ट्रिक चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, ये भी कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा बनाऊँ। तब तक के लिए ओके बाय, लेट्स गो।